ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पीएम से हिंदी चैनल पर। और अब हम जानेंगे रसोई के जादुई नुस्खों के बारे में, जिसमें हम रसोई के एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट पर बात करते हैं, उसके बेनिफिट्स जानते हैं, उसके फैक्ट्स और मिथ्स पर भी मैम से बात करते हैं। तो चलिए अब ज्यादा समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं इस सेक्शन को। तो मैम, रसोई के जादुई नुस्खों में अब मेरा आपसे पहला सवाल है, आज का जो इंग्रेडिएंट है वो है मेथी दाना। तो सवाल पर आने से पहले समझना चाहूंगी कि इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं। अब देखिए, अपने घर में रसोई का राजा, हर एक पदार्थ में जाने वाला मेथी दाना, उसे किंग की मात्रा में लिया जाता है, बॉस की मात्रा में लिया जाता है, क्योंकि मेथी दाना में अद्भुत सारे प्रकार के जो हमें सही में चाहिए, जो आप मल्टी विटामिन की टैबलेट्स लेते हो, आप डायबिटीज की टैबलेट लेते हो, आप वेट रिडक्शन की टैबलेट्स है, आप थायराइड की टैबलेट्स है, ये सब कुछ बंद कर लीजिए और मेथी दाने पे आ जाइए। जब आप मेथी दाने लेते हो तो प्रचुर मात्रा में मल्टी विटामिन से, उसके अंदर विटामिन बहुत सारे है, फाइबर है, प्रोटीन है, और इंसुलिन को बढ़ाने के लिए, बहुत सारे तत्व को अच्छा करने के लिए मेथी दाने में है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, जिससे स्किन एंड हेयर तो अच्छे होते, लेकिन साथ साथ में एंटी बैक्टीरिया एंटीवायरल का भी वो काम करता है। अगर शरीर में कहीं प्रॉब्लम्स हो गया, पेन लग रहा है, अर्थराइटिस लग रहा है, तो मेथी दाना का आप कंज्यूम कर सकते हो। अब देखिए, मेथी दाना के इतने फायदे हैं कि हर एक रोग में काम करता है। अगर आपके बॉडी पेन हो रहा है, लीवर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको है, कोई जख्म हो गई भीतर में, अगर आपको दस्त हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वॉमिटिंग हो रहा है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे महिलाओं को प्रॉब्लम्स होता है, या यूरिनरी ट्रैक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, या फिर आपको माउथ में अल्सर हो गया है, घाव हो गया है, एक्जिमा, एवरीथिंग के लिए आइदर आप चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथी दाने का चूर्ण, पानी या पेस्ट, वो आपको स्किन, हेयर और बॉडी सभी में काम करता है। अब कब क्या कौन सा काम करना वो भी जानना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि हेयर की, मैं सिंपल बात, क्योंकि हेयर सबके प्रिय होते हैं, सबको लगता है कि मेरे हेयर की रीग्रोथ अच्छी हो जाए, काले हो जाए, और उसका जो क्यूटिकल्स है उसमें, तो क्यूटिकल्स कौन है, प्रोटीन का काम करता है, और मेथी में भी प्रोटीन है। आपको क्या करना है, 2 टेबल स्पून मेथी को सोक कर लीजिए रात को, पानी डाल दीजिए, मेकअप पेस्ट apply on your scalp and then rest of hair पे लगा दीजिए, 1 घंटा 2 घंटे के बाद सिर्फ उसको पानी से निकाल दीजिए, शैम्पू अगर आपके पास हर्बल कोई है तो लगा दीजिए, और फिर देखिए किस तरह से आपको हेयर के रिलेटेड डैंड्रफ हो, रीग्रोथ ना हो, फॉलिंग हो, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको क्योर हो जाएंगे। स्किन में कोई भी प्रकार के अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसका पेस्ट बना लीजिए, और इसकी के अंदर आप एलोवेरा जूस डाल सकते हो, एलोवेरा डाल सकते हो, या फिर हल्दी डाल सकते हो, तो इस तरह से पेस्ट बना लीजिए, राइट। और वो पेस्ट को जब आप फेस के ऊपर, तो रिंकल है या फिर आपको कलाजन इलास्टिंग लग रहा है, सैगी लग रहा है, ग्लो पे वो काम करेगा, तो इस तरह से फेस पे काम करे। अगर मान लो आपको एक्जिमा है, सोरायसिस, क्या करना है, इस पेस्ट को उस जगह पे लगा दिए, थिन पेस्ट लगा दीजिए, और फिर देखिए कि कैसे आपका दूर हो जाता है। हाँ, खान पीन पे तो ध्यान रखना ही है, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर आप डायबिटीज से ग्रस्त हो, या फिर ध्यान रखिए काफी लोगों को दस्त हो जाते हैं, काफी लोगों को कब्ज की बीमारी हो जाती है, अगर आपको मान लो कि डायरिया हो रहा है तो मेथी दाना का आप कंज्यूम कर सकते हो। आप मेथी दाना को ले लीजिए, पानी के अंदर 10 मेथी दाने मुंह में रखिए, और चबाना नहीं कुछ भी, सिर्फ मुंह में रखना है, धीरे धीरे उसको जाने देना है, उसके बाद 1 गिलास पानी पी लेना है, दैट्स इट, डायरिया भी आपका कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। डाइजेशन का प्रॉब्लम है, मेथी दाना, अजवाइन, धना, जीरा और सौंफ सब प्रमाण में लीजिए, और उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, पाउडर बना लीजिए, और फिर ये चूर्ण जो आपका बन गया वो आपका डाइजेशन का बन जाएगा, राइट। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स है, अगर वेट लॉस करना है तो मेथी दाना का स्प्राउट कर लीजिए, सोक करने के बाद तो पानी पहले पीजिए, उसका टी इज अ वेरी बेनिफिशियल, मेथी टी, ओके, तो वो टी आपको बहुत फायदा है, तो मेथी टी पी लीजिए, जो बच गया है मेथी उसको स्प्राउट कर लीजिए, और वो स्प्राउट आप खाइए, तो आपको वेट के रिलेटेड, पीसीओडी के रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज है वो सारे आपको मिट जाएंगे। अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन है आपकी,
देखिए तो आपको क्या करना है, इन्फ्लामेशन है तो अगेन आप मिल्क के साथ भी, जो आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हो या फिर आप तो उसके भीतर में भी ले सकते हो। प्रेग्नेंट लेडी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी मेथी दाना बहुत अच्छा है। उसका जो गोंद का लड्डू है या मेथी ताकत देने का काम करता है, कैल्शियम देने को, खास मेथी दाना प्रोटीन का बहुत ही ताकत देने का काम करता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इन शॉर्ट में देखा जाए कि पेट में ब्लोटिंग हो रहा हो, स्ट्रेस आपको हो रहा हो, या डायबिटीज की कोई शिकायत हो, आपको थायराइड की शिकायत हो, आपको हाइपरटेंशन की शिकायत हो, आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो, ध्यान रखिए राइट, इंसुलिन को बढ़ाना है, तो मेथी दाना इज अ सुपर डुपर काम करता है। बस वही ध्यान रखना है कि आपको कब कैसे इस्तेमाल करना है, वो आपको अगर करोगे तो फिर आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, केवल मेथी का पानी बहुत अच्छी तरह से आपके भीतर में काम करता है। मैम, आपने तो इतने सारे फायदे गिना दिए कि अब तो हम मतलब हम गिनती कह सकते हैं कि गिनती नहीं याद रहेंगी अगर हम इनको गिनने बैठे तो। तो मैम, इसी के साथ में ये तो फायदे हो गए मेथी दाने के, इसके साथ ही साथ ना कुछ सवाल है मेथी दाने से रिलेटेड, तो वो भी आपसे जानना चाहूंगी। पहला आपसे सवाल है कि क्या मेथी दाने का इस्तेमाल ब्लड शुगर से ग्रसित मरीज कर सकते हैं? डेफिनेटली। अब देखिए मेथी दाना में प्रोटीन की मात्रा है और वो इंसुलिन को हेल्दी रखने में भी फायदा करता है राइट। तो हमें फाइबर और प्रोटीन दो मात्रा ज्यादा होने की वजह से, और एंटीऑक्सीडेंट है, खास ध्यान रखें मेथी दाने का फायदा वो ही है, फ्री रेडिकल्स अपने भीतर में कचरा है और ब्लड में जो शुगर बनता है उसको रोकने में मेथी दाना बहुत फायदा करता है। तो आप कैसे कंज्यूम करोगे, तो रोज देखिए एक मात्रा भी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप चूर्ण लेते हो तो 1 to 2 आप ग्राम ले सकते हो, और पानी लेते हो तो 10 ml तक ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, जो सुबह उठ के डायबिटीज लोग जो चाय कॉफी पीते हैं तो चाय कॉफी मत पीजिए, मेथी दाने का पानी पीजिए। तो रात को क्या करना है, 1 glass पानी में आपको 1 चम्मच मेथी दाना डाल देना है, और उसके बाद सुबह उठ के आप उषा पान में मेथी दाना का पानी लीजिए, मेथी को चबा दीजिए। अब मेथी कड़वी बिल्कुल नहीं, लोगों का एक मिथ होता है कड़वी होगी, कुछ नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ चला गया है, तो वो मेथी क्या होगी, सॉफ्ट हो जाएगी, उसमें से सब कुछ निकल जाएगा, वो बहुत अच्छी भी लगती है। अगर मान लो फिर भी नहीं है तो मेथी का स्प्राउट कर लीजिए, मेथी का सोक कर लीजिए, पोटली में बांध लीजिए, वो दिन में इवनिंग तक तो स्प्राउट भी होने लगेंगे। अब इसको क्या कीजिए, 1 चम्मच ही आपको खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। दूसरा, जव की रोटी, डायबिटीज लोगों को गेहूं की रोटी ना बोलते क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जव की रोटी में सबसे ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, जव की रोटी में मेथी का पाउडर, जो आपने मेथी भिगोई थी उसका पेस्ट डाल दीजिए, या हरी मेथी, ध्यान रखिए आजकल मार्केट में हरी मेथी और ड्राई मेथी दोनों है, तो हरी मेथी का पेस्ट डाल दीजिए, या हरी मेथी की सब्जी और जौ की रोटी खा लीजिए, या जौ के आटे में मेथी का पाउडर आप मिक्स कर लीजिए, मेथी का पाउडर, सौंफ और पेपर, ये सबको मिक्स कर लेके डब्बे में रख लीजिए। अब आप जब भी आटा गूंथते हो केवल पानी से, वार्म वाटर से आप उसको गूंथ लीजिए और बना लीजिए, तो इस तरह से आपको फायदा होगा। तो एवरी डे अगर आप कंज्यूम करते हो चाय, इंस्टेड ऑफ चाय मेथी का कंज्यूम कीजिए, और प्रॉपर मात्रा में रखिए, बहुत नहीं लेना कि अच्छा डायबिटीज को बहुत अच्छा हो रहा तो लेते रहे, लेते नहीं, इतना भी नहीं लेना है, सप्रमाण में लेना है, सुबह लिया और फिर बीच में आपने इस तरह से मेथी का कंज्यूम किया, या फिर आप सूप बनाते हो तो मेथी के पत्ते को डाल दीजिए, या फिर आप तड़का लगाते हो वेजिटेबल्स में लगाते हो तब मेथी दाना थोड़ा डाल दीजिए, कड़ी पत्ता, मेथी दाना। सी हमारे पास कुदरत ने बहुत सारे स्पाइसेस दिए हैं, हर्ब्स दिए हैं, लीव्स दिए हुए, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करोगे तो ये तो रोग सिर्फ बाहर से आने वाला है, अंदर से हमें निकालना है। तो आप खुद प्रकृति के साथ रहिए और रोग को भगाइए। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर की, और उसके साथ ही आपने पानी के बारे में हमको बताया कि हम सब किस किस तरह से पानी को कंज्यूम करके ही अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका समय देने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। जाते जाते एक बार फिर आपको बता दूं कि आज के एपिसोड में हमने बात की पानी के बारे में, कि पानी को कैसे कंज्यूम करना चाहिए, कब कंज्यूम करना चाहिए, कितनी मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। उसके बाद हमने प्रकृति के समाधान में आपके सवालों के जवाब मैम से जाने, और इसके साथ ही रसोई के जादुई नुस्खों में हमने मेथी दाने के जादुई गुणों के बारे में जाना। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि नारी बैक टू नेचर के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक और बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर, कुछ आपके सवाल लेकर, और एक जादुई नुस्खे रसोई के, और उसमें एक इंग्रेडिएंट और खूबसूरत सा लेकर। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।